2022 में अगर आप इंटर या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो समझिए पैटर्न को, इस बार कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। इंटर और मैट्रिक दोनों की बात इसमें की जा रही है, तो सबसे पहले हम लोग इंटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इंटर में क्या बोला जा रहा है कि इंटर गणित विषय में 138 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 69 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ध्यान समझिए, गणित विषय का मतलब वैसा सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का होता है, वो गणित भी हो सकता है, वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 138 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे, 138 सवाल, उनमें 69 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना होगा, ठीक है, 69 का देना है। ऑब्जेक्टिव की संख्या जो पहले की गई थी 50% ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको जो है 50% ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें, 138 सवाल है ना, यानी कि उसका एकदम कितना है, आधा है, यानी जितने सवाल पूछे जाएंगे हर एक सवाल पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी रहेगी, 100, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगी, आपका आंसर कितना देना है, 50 देना है। उसके बाद जो 38 क्वेश्चन होंगे उसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होंगे, तो इसमें आपको 38 क्वेश्चन में 19 का ही आंसर करना है, यानी कि हर के क्वेश्चन के एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब वैसा पेपर जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जस्ट लाइक जीव विज्ञान, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, इसमें कितने प्रश्न रहेंगे, 96 रहेंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो 70 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको जवाब देना है, 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 35 छोड़ देना है, ठीक है। अब बच गए कितना, 26, ठीक है, तो 26 में 20 आपका लघु उत्तरीय होगा और 6 आपका दीर्घ उत्तरीय होगा, जिसमें 10 लघु उत्तरीय का जवाब देना होगा और 3 लघु दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना होगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आपके टोटल जो है 48 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। बोर्ड इस बार मॉडल पेपर जारी कर रहा है और इसकी जानकारी इस बार इस तरीके से आप समझ चुके हैं। अब देखिए मैट्रिक परीक्षा में, तो मैट्रिक परीक्षा में भी वही पैटर्न है, आपके साइंस में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, यानी 80 ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है और 40 छोड़ देना है, वही 24 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 24 में आपको क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट हंट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बारहवीं IIT और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट हंट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। 12 का आंसर देना है और 6 में 3 का आंसर देना है, ठीक है। इन 110 सवालों में आपको 50 प्रश्नों के ही आंसर देने हैं, यानी एकदम आधा, 55 का आधा, ठीक है। 110 सवाल में 55, यानी जो 100 मार्क्स का होगा उसमें 55 का ही आंसर देना है, ठीक है। इस बात को समझ गए विज्ञान विषय वाले। अब जो है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि आपका मैथ, तो मैथ में टोटल कितने होंगे, 138 सवाल होंगे, उसी तरीके से इंटर वाले की तरह 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 होगी जिसमें 50 का आपको जवाब देना है। वहीं बात करें लघु उत्तरीय का, तो लघु उत्तरीय जो है 30 लघु उत्तरीय होंगे और 8 दीर्घ उत्तरीय होंगे, तो 15 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है, ठीक है। इस तरीके से 15 for 19 और 50 ऑब्जेक्टिव 69 प्रश्नों के जवाब देंगे, यानी 2022 में ये आपका पैटर्न होगा इंटर और मैट्रिक का। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, ताकि
क्रैश कोर्स का PDF आपको टेलीग्राम में जल्द ही शेयर करने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।